everyone, assalamu alaikum. This is me, Rebecca Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. आज के दिन हमारा गैप है और कल इवेंट है। लिटरली आप लोगों को मैं बताऊं, मेकअप आर्टिस्ट भी हमें घर में ही तैयार करने आ रही थी और घर का हाल इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है, मतलब एक एक कमरे का हाल बुरा हो रहा है गंदगी के मारे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कब भी टूट गया इधर ये पूरा गंदा गलीस कचरा, ये पूरा घर यहाँ से गंदा है, नीचे से पूरा घर गंदा है, ये एरिया तो कुछ ज्यादा ही गंदा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे, तो इस वजह से ज्यादा गंदा है। मैं सोचा कि क्यों ना आज मैं सफाई करूँ पूरे घर की। है तो बहुत बड़ा घर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रहना तो हमें यही है ना। इतना गंदा हो रहा था, उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी, तो जल्दी से घर को साफ करना चाहिए। समझ से बाहर है, लड़कों के कमरे और लड़कों का वॉशरूम इतना गंदा क्यों होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये है मेरे लाली और जैबू का कमरा, इसको भी जल्दी से हम लोग साफ कर देते हैं। कप जो टूटा है ना यहाँ पे हमें इस शॉपर में डालना है। कप हमने इसमें भर दिया है, प्लेट उठा लेते हैं जल्दी से। यहाँ से कोई गिर भी सकता है, बहुत खतरनाक किस्म का। अरे कभी तो कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे जाएगा जहाँ स्पेस दी हुई है। क्या मंजर है, क्या सुबह है। सिर्फ इतना ढेरों कचरा निकला है इस फ्लोर का, ये और कचरा है, ये सब लड़कों के काम है। सब ने कचरा फैला के रखा हुआ घर में, ये देखिए ना सारा कचरा जो आप लोगों ने देखा था वो यहाँ पर नबील भाई से मैंने सिमटवाया है। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। और ये सारा कचरा इन शॉपरों में भर दिया है, मतलब देखें आप, चेक करें मेहनत कितनी हो रही है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है जहाँ आप रहते हो उस जगह को साफ करके रखो। लड़कियों की चमड़ियाँ उतरी हुई है, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, सामने केचुली बदली है। फाइनली मैंने सफाई पूरे घर की कर दी और अब पूरा घर जो है ना वो चमाचम चमक रहा है। तो गाइस मैं सो चुकी थी और सो के अब उठ चुकी हूँ और रेडी भी हो चुकी हूँ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आज गैप था तो हमने कहा कि चलो बाहर आउटिंग पर चलते हैं। बच्चे वगैरह भी कब से घर में थे, आउटिंग नहीं की थी, बस फंक्शन अटेंड कर रहे थे, थक रहे थे, तो आज फाइनली आराम करके हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। सो चलिए, इनकी वजह से हम जा रहे हैं, इनकी वजह से। जब उदिन में जैसे जी में सब तैयार हैं जाने के लिए। मम्मा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मम्मा का बड़ा दिल कर रहा था फैसलाबाद में कहीं बाहर खाना खाने को। क्यों मम्मा, सही कह रहे हो? मैंने कहा ज़्यादा निकला भी जाए ना, क्या घर के होके रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उज़ैम और जैबू की हो गई ट्विनिंग, महीर भी रेडी है, बाकी लड़के जो है वो ऊपर तैयार हो रहे हैं, निकल चुके हैं। वैसे तो ऐसे हमें फैसलाबाद के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने अपनी लोकेशन पे चेक किया था कि हमारे करीब कौन सा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आया था बिंदु खान, एंड आई थिंक हम लोग फर्स्ट टाइम जो है बिंदु खान जाएंगे। ऐसे हम लोग कराची में भी नहीं गए, तो लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि असल टेस्ट के बारे में जन्ना आप बताएंगे, क्योंकि जन्ना आपको ऐसे बारबेक्यू आइटम बहुत पसंद है। तो अब जल्दी से चलते हैं। गॉड इतना सन्नाटा है, लिटरली ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना बंदे ना बंदे की जात, फुल एकदम सन्नाटा। आप चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सी। फाइनली फाइनली हमारा खाना जो है वो आ चुका है, इतनी देर के बाद लिटरली हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं कि अब खाना आया, अब खाना आया, और वो इतनी देर लगा रही खाने में। चलो खैर आ तो गया ना, गर्मा गर्म खाना जल्दी से खाना। एवरीबॉडी इज हियर, लेट्स ईट फूड। ये इतनी प्यारी लग रही है ना, रोटी इस पे इतनी प्यारी लग रही है, तिल मतलब प्यारी भी कोई चीज लग सकती है, ये बहुत प्यारी लग रही है। खाने में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जी हाँ बिल्कुल आपकी जैसी लग रही है, मलाई बोटी है, ये छोटी छोटी सी ऐसे ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स हैं, ये बड़े क्यूट लग रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ का खाना खा रहे हैं, अब देखो यार। 2000 years later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द फूड। और फूड के बारे में रिव्यू करें जल्दी से यार। बस एवरेज एवरेज। मम्मा आप बताएं, ठीक था खाना?
यार बस पेट भरना था, मगर ये कि सिर्फ मुझे बिहारी बोटी अच्छी लगी, बाकी सब फीका फीका। एक्चुअली मसाले बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब लग रही है ठंड, मुझे आज बहुत ठंड लग रही, हालांकि इतनी है नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये शॉल मैं लेके आई थी अपने साथ। हम लोग बस यहाँ से निकलने लगे हैं और सीन कुछ ऐसा कि हमने सोचा है कि रात में हम लोग करेंगे पार्टी, मतलब पार्टी इन सेंस कि कुछ लाइक हम लोग वेजिटेबल्स या कुछ खाने की चीज़ें ले लेते हैं, फिर हम उसको घर में जाके बना लेंगे। क्या हो गया? देख रहा था कैसे आप तुम लोग कैमरे में। अच्छा चलो हमें जो है सामान मिल गया है। लिखा वाओ, इसके पीछे कितनी जद्दोजहद की है ना लाली ने, कि बस क्या ही बताऊं। और जिसने बातें की ना वो है ये इंसान, जिन्होंने बातें की ना वो है ये इंसान। जी हुसैन साहब, अल्लाह के बाद इन दोनों की रखवाली करी, रखवाली की है जो बातें हुसैन, कसम से अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं हमारा क्या ही होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मम्मा को सारा सामान मिल गया, पूरा फैसलाबाद घूमने के लिए, पूरा फैसलाबाद, मतलब इनके नसीब में था मेरे हाथ की चीज जी, वो भी इतनी सारी। नाइस यार, नाइस। कल भी बनेगा वर्मा पार्टी। Everyone is here. Finally, हमारे पसंदीदा शवरमे मिल गए हैं और वो सारा सामान रखा हुआ है जो मुझे पकाना है आज। तो ये पकेगा? पकेगा हुसैन, तरीन पतीला धो के देंगे। जी ठीक है, जी ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे मूवी डिसाइड करेंगे, मूवी देखेंगे, लेकिन देखेंगे कौन सी वो नहीं पता। जल्दी से ये सारा सामान रख देते हैं किचन में। ओ गॉड, गाजर गिर जाएगी। नो, यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है, यहाँ पे भी सजा दिया है सारा सामान। अब हमें ढूंढना है पतीला। मम्मा एक ही पतीला है यहाँ पे। अब अगर किसी ने फोन करवाए तो नहीं नहीं पतीला नहीं चाहिए। कहाँ है, कहाँ है, दिखाओ फ्राइंग पैन। ओ नाइस नाइस नाइस। यहाँ पे रबीका काशिफ खान बिला वजह उड़ता तीर लेके। पास्ता रात में 3 बजे आप बना लो, मोबाइल इधर रख के बना लो, मैं भी जाऊं। अच्छा सही है। गाइस मैंने यहाँ पे जो है वो गाजर काटी है, हुसैन साहब से मैंने धुलवाई है पतीली। ओए होए होए, इधर दिखाएगा अपना मुखड़ा जरा, इधर देखें क्या ही बात है। लाली कभी आपने पतीली मांजी है? हाँ करते ना, आई एम सो प्राउड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आगे के लिए भी अच्छा है, करना चाहिए था। ये गैस सारा चूल्हा, अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऑयल भी मिल गया जो हम भूल गए थे, वरना तो लगा था ऑयल बगैर ही बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैक्रोनी हो गई है रेडी टू गो, और उस पे क्या होना है? अभी मैं इसका मसाला बना रही हूँ। अच्छा नथिंग, कुछ नहीं, ऐसे बात करते हैं। अभी मैं इसका मसाला बना रही हूँ। अभी चाहिए, अभी हाथ के हाथ, हाथ के हाथ 15 प्रो मैक्स डब्बा पैक। ये समझते हैं मजाक, ये ले। ये रहा डब्बा बैग, खाली है। ओ, ये सच में है? तो आने लेके रखा है। वाह पकड़े हम। क्या हुआ अब, क्या हुआ है, क्या हुआ? ये रहा मोबाइल है, इसमें हुआ रहा फोन तो मेरा। सही है, मैं आपको अपना भी नहीं दूंगी। अच्छा इसमें हुआ तो आपका, इसमें अगर हुआ तो कुछ अलग वाला हो ना, जो आप तो डर रही हो ना। नहीं नहीं, इसमें होगा तब भी मेरा, नहीं होगा तब भी डब्बा मेरा। खोल के अनबॉक्सिंग है ये इसकी।
कसम खुदा की मोबाइल है। हाँ मजाक समझती तू। क्या हुआ फाइनली एवरीथिंग इज रेडी और अब जो है जी बिल्कुल भी इसे छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ क्या हुआ बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो ना कैमरे के सामने डिफरेंट इंसान क्यों बन जाते हो आप लोग। तो गाइस हुसैन ने मुझे गिफ्ट दिया है 15 प्रो मैक्स। हुसैन थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं है। इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। हाँ ना सबको दे रहा हूँ मैं तो उसके बाद अनबॉक्सिंग अकेला कर लूंगा। मुझे डर नहीं होता बेटा ये फेंकने वेकने का। मेरे मोबाइल टूटे हुए हैं। ये मेरे साथ आईफोन फेंकने की नहीं क्या। फाइनली फाइनली बन चुकी है मैक्रोनी। आपके सबको निकाल के दूं क्या मैं नवाबों की तरह सब बैठे हुए इधर। क्या हो गया किस बात की ऐसी आ रही है ना। सब में मैं ही दिखा। जी यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। पता नहीं ये लोग कैसे मैक्रोनी में केचप डाल के खा लेते। मुझे तो 1% नहीं पसंद। आप खाते हो केचप शादी बहुत मजा आया आज। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। सो इस ब्लॉग को जल्दी से जाकर लाइक कमेंट शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा निका का ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड कीप सपोर्टिंग कीप लविंग लॉट्स ऑफ लव। ठीक है बाय।